खबर शिवपुरी शहीदपुरा वार्ड क्रमांक 32 गंगाराम का बाड़ा से आ रही है। यहां पर नाली ना होने के कारण काफी टाइम से गंदगी फैल रखी है और यहां के रहने वाले वार्डवासियों का रहना भी मुश्किल हो गया है। इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे मलेरिया का शिकार हो चुके हैं। आए दिन कोई ना कोई बीमार यहां पर पड़ रहा है। यहां के लोगों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी लगाई। मंगलवार जनसुनवाई में कई बार शिकायत की, यहां तक कि नगर पालिका में भी इसका आवेदन देकर आए, लेकिन अफसोस कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। एक तरफ शहर में डेंगू अपना पैर पसार रहा है और डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां के रहने वालों की मांग है कि नालियों को पक्का बनवाया जाए ताकि पानी का निकास सही ढंग से हो, जिससे डेंगू का मलेरिया ना पनप सके। यहाँ गंदगी का अंबाला लगा रहता है, लेकिन कोई सफाई कर्मी यहाँ सफाई करने नहीं आता। आखिर कब तक इन गरीब परिवारों को इस गंदगी से निजात मिलेगी? जो यहाँ पर गंदा पानी जमा है वो इतनी बदबू मार रहा है कि इस गंदे पानी की चपेट में आने से दो जानवरों की भी मौत हो चुकी है। समस्या ये है कि हमारे के इस बाड़े में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है और अभी हमारी घर में भी देखो, आप देख सकते हैं पीछे जितने भी घर हैं, यहाँ पे हम बस्ती वाले हैं, यहाँ पे टोटल बस्ती वाले हैं, उनको इस गंदगी से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कब से फैल रही है ये गंदगी? गंदगी तो काफी टाइम से, जब से यहाँ पे मकान लिए हैं, जब से निवासी हैं यहाँ के, जब से ही गंदगी का सामना। इसकी शिकायत वगैरह कहीं करी आपने? इसकी शिकायत हमने सीएम जन सुनवाई और नगर पालिका में इसकी शिकायत कर दी, लेकिन कोई भी उसका अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक।